याद की जी। अर्जुन की बात करते हैं तो आपके जहन में क्या पीछे आ रहा था, अर्जुन के वो धनुष बाण, अर्जुन के वो रियल निशान? मुझे एक्चुअली जब भी अर्जुन की बात करते हैं मुझे संडे सुबह 9 बजे की याद आती है, क्योंकि तब हम सब मिलकर एक साथ महाभारत देखा करते थे और शायद तभी हम सबकी टेलीविजन के साथ हमारी टेलीविजन के साथ एक रिलेशनशिप बन गई थी। और आज जाकर जैसा कि सभी जानते हैं भाई आप सब टेलीविजन चैनल हैं, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि महाभारत जैसी इतनी एपिक स्टोरी के हीरो के ऊपर फिल्म बनी है और उसे मिस्टर अर्णव चौधरी ने बनाया है जो कि मेरे डिज्नी में बॉस हैं। तो मैं बस उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी एंड आई होप कि सारे बच्चे फिल्म देखें, उनके पेरेंट्स फिल्म देखें और खूब इंजॉय करें। कि आप जो भी करें उसमें सबसे माहिर बने, उससे ज़्यादा मैं आपको कुछ बता नहीं सकती। वो एक हर एक बंदे को ये सोचना चाहिए कि मैं जो भी काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ मुझे वो काम सबसे अच्छी तरह से करना आना चाहिए। तो आई थिंक वो सबसे बड़ी सीख है सबके लिए। जी मैं फिल्मों में कुछ नहीं फिलहाल कुछ नहीं। इस वक्त मेरा डिज्नी पे एक शो शुरू हुआ है स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, एंड मैं बस चाहूँगी कि जैसे मेरे प्रीवियस शो शरारत को ऑडियंस ने बहुत सराहा था उसी तरह हमारे इस शो को प्लीज़ देखिए एंड आई एम श्योर कि आप सब बहुत इन्जॉय करेंगे। एंड अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो प्लीज़ आकर अर्जुन को एक थिएटर में देखिए, अपने मम्मी और पापा को बोलिए कि आपको लेकर आएँ। एंड आई होप कि सब अपनी समर वेकेशन इन्जॉय करें और अर्जुन ज़रूर देखें।